गौरी माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महागौरी माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। गौरवर्ण है माता का और विषभ पे है ये सवार, अपने चार भुजाओं में रही अस्त्र शस्त्र ये धार। श्वेत वस्त्र पहने हैं माँ ने मुखड़ा चांद सशीतल, महागौरी माता देती है भक्त को उत्तम फल। एक हाथ में है डमरू दूजे त्रिशूल लिया, एक हाथ है वर मुद्रा और दूजा अभय किया। शांति मुद्रा में लगे माता फूलों सी कोमल, महागौरी के वंदन से मन होता है शीतल। क्रोध नहा भी होता जो जन्मा को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। अपने पूर्व जन्म में सती ये बनकर आई थी, भोलेनाथ के संग इन्होंने शादी रचाई थी। लेकिन पिता दक्ष ने कर दिया भोले का अपमान, हवन कुंड में कूद के दे दी माँ ने अपनी जान। पर्वत राज हिमालय की फिर पुत्री बन आई, जन्म की इच्छा पूरी अब करनी चाहिए। हर एक जन्म शिव को पाना मन में किया विचार, लेकिन बिना तपस्या के ना इसके है आसार। बिछुड़ सती से भोले ध्यान में बैठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नारद जी ने आकर के माता को किया नमन, बोले गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण। नारायण नारायण कर वो लगे हैं फिर मुस्काने, बोले मैं क्या बतलाऊं माँ आप तो सब कुछ जाने। जानता हूँ मैं शिव शंकर को आपने वरना है, बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है। करके घोर तपस्या आप शिव शंकर को पाओगी, तप का आचरण करने वाली माता कहलाओगी।
इतना कह कर नारद जी तो लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। इनके पिता को हो गई इनके विवाह की चिंता, पार्वती का खोजन वर एक पंडित को भेजा। दसों दिशाओं में वह पंडित घूम के आया है, कोई योग्य वर पार्वती के लिए ना पाया है। बोली पार्वती, हे पंडित जाओ तुम कैलाश, शिवशंकर है मेरा वर, जो करता वही निवास। कहने से गौरा के पंडित है कैलाश पे आए, देखा के एक योगी बैठा वहाँ पे ध्यान लगाए। देख के बूढ़े बाबा को पंडित घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। फिर पंडित ने जा कर के है शिव को किया नमन, बोले शिव हे पंडित बतलाओ आने का कारण। बोला पंडित, राजा हिमालय के यहाँ से मैं आया, पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहा। जिद है पार्वती की, विवाह बस आपसे करना है, बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है। बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने, अंतर्यामी हो खुद ही बोले आप सब जाने। अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। तिथि माँ गौरा ऐसे शिव ना मानेंगे, इसीलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में। बैठ गई वह ध्यान लगा कर, शिव ही शिव ध्याए। कई हजारों वर्षों तक बस कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल छोड़ दिए फिर खाए पत्ते बेल। माँ की महिमा माही जाने कैसा अजब है खेल, पेड़ से टूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता। घोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता। देख के ब्रह्मा विष्णु चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सूखे पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपर्णा, ठान लिया था माता ने बस शिव को है वरना। ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर्जर, रही अटल अपने निश्चय पे रही घोर तप कर। फिर तो माने खाने छोड़ दिए सूखे पत्ते भी, ब्रह्मा विष्णु यह संभव है आपसे ही। ऐसे घोर तपस्या आज तक कोई ना कर पाया, ब्रह्मचारिणी नाम मात का तप ही कहलाया। भोलेनाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। पूरी आपकी लौट के घर जाओ, है वरदान कि शिव शंकर को पति रूप में पाओ। फिर दोनों आए कैलाश पे शिव शंकर को मनाने, भोले तो भोले हैं इनकी माया यही है जाने। खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार, पार्वती से जग का हो उद्धार। कहने लग कि भोले जैसी आपकी है इच्छा, आज्ञा आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु के कहने से मान वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। तपस्या करने से हुई जर्जर इनकी काया, श्याम वर्ण भी हुआ बड़ा ना भोले को भाया। गंगा जल में ले जाकर इनको स्नान कराया, श्याम वर्ण से गौर वर्ण काया तब तो हो पाया। गौर वर्ण के कारण ही महागौरी कहते हैं, अंग संग इनके भोले जी सदा ही रहते हैं। कर गंगा स्नान हुआ है मन भी बड़ा ही शीतल, लगती है इस रूप में माता फूलों सी कोमल। भक्त बड़े बिरले होते जो दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार।
करती है सदा ही महागौरी उपकार। सबसे शीतल रूप है यूं तो माँ के रूप हजार। हर एक रूप में माता भक्तों पे कृपा करती। जयकारों से गूंज रहे ये अंबर और धरती। आता है जब जब पावन नवरातों का त्योहार। हंस राज रिलहन करता है दर्शन हर एक बार। डीएस पाल पे रखना अपनी मेहर शारदा माता। फौज सुरेश तेरी कृपा बिन और न कुछ भी चाहता। धन दौलत का क्या है ये तो आते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं आठ नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए।